तो एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा निफ्टी में, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो से वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो मैं कैसे क्या सब खरीदता हूँ क्या नहीं है, जो भी है मैं आप सभी को लाइव बताऊंगा। और दोस्तों चलिए हम यहाँ से खोल लेते हैं इसका जो ऐप है, मैं जहाँ से ट्रेडिंग करता हूँ वो खोल लेता हूँ यहाँ से। तो चलिए यहाँ से खोला मैंने, ठीक है, चलो लॉगिन कर लेते हैं यहाँ से। और दोस्तों यहाँ पे देखो कि निफ्टी प्लस 127 पे चल रहा है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि अभी देखा जाए तो निफ्टी अभी ऊपर गया था कुछ देर पहले, फिर मतलब निफ्टी 50 ऊपर गया था, फिर ये नीचे आ रहा है। चलिए ऑप्शन चैन में आ जाते हैं। तो ऑप्शन चैन में दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इस साइड में देखो यहाँ पे कि जो 48 दिख रहा है आप सभी को, ये क्या है कि ये एट द मनी, ठीक है। ये 75 जो दिख रहा है आप सभी को ये एट द मनी है, और ये जो 190 दिख रहा है वो इन द मनी है, और ये जो दिख रहा है ये आउट, 2 रुपए 3 रुपए जो हो रहा है ये आउट ऑफ द मनी है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि दोस्तों ये जो पूरा साइड है ना, ये क्या है कि ये कॉल का ऑप्शन, यानी कि मार्केट जब बढ़ेगा तो आपको ये कॉल ऑप्शन खरीदना है, मार्केट जब गिरेगा, ठीक है, तो आपको ये पुट साइड, देखो पुट पर आज लिखा है पुट साइड वाला खरीदना है। अब पुट में भी सेम देखो दोस्तों, इधर का तो एट द मनी बता दिया हूँ, इन द मनी बता दिया हूँ कि इस साइड में होता है 188 वाला साइड में, ठीक है, ये मतलब इस साइड में होता है, ठीक है, यहाँ पे नंबर कुछ भी हो सकता है, समझ गए ना। और आउट ऑफ द मनी जब से 8 हो रहा है, यहाँ पे 4 हो रहा है, आउट ऑफ द मनी हो गया, ठीक है। और इन द एट द मनी हुआ 73 और 47, ठीक है, नंबर कुछ भी हो सकता है, पर जो इलाका बता रहा हूँ ये इसका नाम होता है, ठीक है। और इसका उल्टा होता है दोस्तों यहाँ पे पुट ऑप्शन में, ठीक है, पुट ऑप्शन में दोस्तों जो नीचे वाला होता है वो होता है इन, देखो ये जो 232 186 वो इन द मनी हुआ, 75 जो हुआ ये एट द मनी हुआ, 51 जो हुआ एट द मनी हुआ, और ये जो दोस्तों 11 हो गया 8 हो गया ये आउट ऑफ द मनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। अब ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अगर आप एट द मनी खरीदोगे तो थोड़ा सही पैसा बढ़ेगा आपका, ठीक है, अगर आप आउट ऑफ द मनी खरीदो तो आपका पैसा धीमी धीमी बढ़ेगा, समझ गए। और क्या बोलते हैं दोस्तों, इन द मनी में खरीदोगे तो आपका पैसा और ज्यादा बढ़ेगा, जैसे कि मैं आप सभी को बताता हूँ कॉल ऑप्शन के पास एट द मनी में, देखो यहाँ पे 232 है, यहाँ पे 33 हो गया, देखो यहाँ किससे फर्क आएगा, ठीक है, तो ऊपर देखो 79 है ना, ठीक है, 78 हो गया ना, 79 हो गया ना, 78 हो गया, फिर से 79 हो गया, एक एक रुपए का फर्क हो रहा है। अलिया को आप देखो यहाँ पे आउट ऑफ द मनी में आते हैं, यहाँ पे देखो 25 है ना, ठीक है, ये 20,250 के पास देखो यहाँ पे 1.20 हुआ, 1.25 हुआ है ना, तो इससे क्या हो रहा है कि इसका जो पैसा वो धीमी धीमी बढ़ रहा है क्योंकि आउट ऑफ द मनी है, ठीक है। ये पूरा जो साइड है ये कॉल ऑप्शन का एरिया है, ठीक है, और ये जो पूरा रेड वाला एरिया दिख रहा है वो पुट ऑप्शन होता है, ठीक है, पुट साइड का एरिया है, ठीक है। आप जरूरी नहीं यहाँ पे जो रेड रेड दिखा रहा है वो रेडी रहेगा, अगर मार्केट गिरेगा तो ये ग्रीन हो जाता, पर मार्केट अभी अप है तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो कॉल का ऑप्शन है वो मतलब बढ़ रखा है, समझ गए ना। और मान लो कि अगर आपको कोई चीज खरीदना हो, कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करना हो, तो दोस्तों यहाँ पे अक्टूबर 12 लिखा है ना दोस्तों, अक्टूबर 12 जो लिखा है साथियों, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जो भी ट्रेड खरीदोगे आज इस वाले पे, देखो अगर मैं चेंज करूंगा 19 अक्टूबर पे, ठीक है, तो 19 पे आ गया, ठीक है, लेकिन हम 12 अक्टूबर पे करेंगे, ठीक है, तो यानी कि आज 10 तारीख है, तो 2 दिन बाद आपका जो ऑप्शन ट्रेडिंग का जो भी आप खरीदोगे इसमें से वो एक्सपायर्ड हो जाएगा। याद रखो कि अगर आज 10 तारीख है और आज यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो आपको आज ही बेचना पड़ेगा, लेकिन इसको हम 2 दिन तक होल्ड करके रख सकते हैं, समझ गए। तो 12 तारीख का जब खत्म हो जाएगा तब 19 तारीख को आएगा, ठीक है, आप चाहे तो 19 वाला भी खरीद सकते हो, तो आपका 19 तारीख को एक्सपायर होगा, लेकिन 19 का नहीं खरीदना, 12 का खरीदना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखें आप सभी की, एक मिनट में आप सभी को बताता हूँ, तो यहाँ पे देखो कि मैंने खरीद रखा है, तो चलिए मैं आप सभी को दिखाता हूँ पोजीशन में आ जाते हैं। तो पोजीशन में देखो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट चल रहा है 50 रुपए 40 रुपए चल रहा है, लेकिन मैं एक में लॉस गया था यहाँ पे 600 रुपए, ठीक है, 600 रुपए इसलिए गया था क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा ही कीड़ा काट रखा था, मैंने कल मैंने पुट ऑप्शन लेकर के होल्ड कर दिया था, ठीक है, होल्ड क्या होता है जानते हैं ना, ले करके छोड़ देना कल के लिए, देखना कि मार्केट कल क्या रहेगा, तो इसलिए मेरा 600 नुकसान हुआ है। और उम्मीद है कि अपनी ये गलती से मैं सुधरूंगा, और आप लोग भी ना कभी भी अगले दिन के लिए ना मत खरीदना, ठीक है, अगर आज लियो तो आज ही बेचने की कोशिश करो,
तो वैसे ही मैंने किया है दोस्तों, मैंने देखा यहाँ पे, फिर मैंने दो बाई किया, दो बार बाई मतलब दो और ऑप्शन बाई किया दोस्तों। यहाँ पे देखो एक में प्रॉफिट हो रहा है 400, 400 रुपये मान लो, और एक में जो प्रॉफिट हो रहा है वो 200 रुपये मान लो, ठीक है ना कि नहीं। तो अब जो मेरा लॉस है वो 2500 रुपये हो गया है, 300 रुपये हो गया है, ठीक है। इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरा टोटल को जोड़ जाड़ करके घटा करके बता रहा है, ठीक है। 95 रुपये हो गया है, 65 रुपये हो गया है, इसलिए हो रहा है क्योंकि दोस्तों में 600 रुपये लॉस हुआ है। अभी ये 500 रुपये जाएगा या फिर 400 रुपये जाएगा तो मेरा प्रॉफिट और बढ़ेगा, लेकिन अगर ये 200 पे आ जाएगा जो मेरा प्रॉफिट है, अभी देखो 400 पे था, अभी 345-55 पे आ गया है। तो इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत तेज ऑप्शन ट्रेडिंग में दोस्तों पैसा बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, इसलिए है ना दोस्तों। तो देख भी सकते हो आप लोग किस तरह से ये हो रहा है। तो अगर आप लोग भी अगर बाई करना चाहते हो तो चलो एक मैं आप लोगों को खरीद के दिखा देता हूँ। चलिए आप लोगों के लिए मैं ऐसा करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से आ जाते हैं, तो मार्केट डाउन जा रहा है यार, बढ़ेगा कि नहीं क्या? तो अपने अंदाजा के हिसाब से खरीदे कि मार्केट अप जाएगा कि डाउन जाएगा, अंदाजा नहीं, पहले पूरा रिसर्च कर ले, पता चल ही जाएगा, ठीक है। मुझे पता था कि मार्केट गिरेगा, सॉरी बढ़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन है, ठीक है, दो बार कॉल ऑप्शन है कि नहीं। एक बार जो पुट था ना वो कल के लिए खरीदा था, लेकिन कल जो खरीदा था सोचा था कि आज मार्केट बढ़ेगा, लेकिन बढ़ा नहीं। अब मेरा देखो 200 रुपये लॉस जा रहा है ना, तो ये चीज आप ख्याल रखना, ठीक है। अपनी जिम्मेदारी से ये सब करना, अच्छे से सीख उख के करना अगर करना भी, ठीक है, और अपने अनुभव के हिसाब से करना। बाकी मैं जो भी है मैं दिखा रहा हूँ अपने अनुभव के हिसाब से। तो चलो मान लो कि मैं सेंसेक्स में ले लेता हूँ एक दो, ये मार्केट गिर रहा है, ठीक है। नहीं यार एक मिनट, चलो ले लेते हैं यहाँ से, चलो मान लेते हैं कि यहाँ से कोई ना, मैं थोड़ा दूरी वाला ले लेता हूँ यार। एक एंट्री का तो बहुत पैसा देना पड़ेगा मुझे तो। चलो मानते हैं कि ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, 15 रुपए के हिसाब से ले लेते हैं। अब मैं सेट करता हूँ दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि जो मार्केट, नहीं यार ये ऑलरेडी मैं खरीद रखा हूँ, नहीं तो ये वाला मैं बाई करता हूँ, ठीक है, 100 ले लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये मार्केट 27 पे आए ना तब भी, है ना। हाँ चलो 27 पे, सिर्फ मार्केट का पड़ा जब कितना चला, 27.35, 27.40, ठीक है। तो मैं अभी बाई नहीं करूंगा, मार्केट प्राइस पे ही मैं खरीद लेता हूँ आपसे, बिग वजह से। तो ये मैंने खरीद लिया दोस्तों, देखो यहाँ पे अब मेरा ये आ गया, देखो यहाँ पे अभी भी जो मैंने बाई किया ये वाला है। यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे, स्टॉप लॉस लगा दो, एड स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस का क्या फायदा होता है मैं आप सभी को बताऊंगा। जैसे यहाँ पे 25 कर देता हूँ, ठीक है, 25 आएगा मैं एग्जिट हो जाऊंगा, और यहाँ पे मैं प्रॉफिट कर देता हूँ 27 पे, ठीक है, एक मिनट, 27 पे कर देता हूँ, ठीक है। 27 पे आएगा तो मैं एग्जिट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो भाई क्या लगता है आप लोगों को, लॉस में आ जाएगा क्या? चलो 24 कर लेता हूँ, हाँ बस ठीक। चलो आप वेट कर लेते हैं दोस्तों, मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। स्टॉप लॉस से क्या होगा, अगर मार्केट मान लो डायरेक्ट नीचे गिरता है, ठीक है, अगर आपने कॉल ऑप्शन बाई किया है ना, मान लो कि आपने कॉल ऑप्शन बाई किया है ना, और मार्केट डायरेक्ट नीचे गया, डायरेक्ट नीचे का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप लोग समझ रहे हो ना, कि आपका स्टॉप लॉस रहेगा ना तो आपका जो लॉस रहेगा ना वो रिकवर करके देगा, ठीक है। तो अगर आपका लॉस होगा तो ये बचा लेगा दोस्तों, स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस के ऊपर आप अच्छे से रिसर्च करें क्या होता है। तो अगर आप स्टॉप लॉस के बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आप सभी के लिए, आप लोग देख लेना। यहाँ पे देखो कभी 45 रुपये लॉस हो रहा है, कभी 30 रुपये लॉस हो रहा है, लॉस ही में दिखा रहा है। अभी एक आगे बार ग्रीन आ रहा है कि नहीं, चलो वेट करते हैं यहाँ पे। तो मैंने, चलो यार यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एडिट कर देता है, आप लोग चाहे तो यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो, जैसे कि ये वाला मैंने किया था, मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखो कि 27 है ना, तो मैं मान लो इसको ओहो 28 कर लेता हूँ, ठीक है। वो मेरा एग्जिट हो गया यार, ये मेरा एग्जिट हो चुका है दोस्तों। उम्मीद है कि इसका जो मैं, हाँ देखो 65 रुपये प्रॉफिट हुआ है मुझे, मैंने स्टॉप लॉस हिट किया था, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है दोस्तों, और मुझे प्रॉफिट जो हुआ है वो 65 रुपये का हुआ है। आपके सामने मैं आप सभी को दिखाया हूँ दोस्तों,
तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मैंने ये प्रॉफिट किया है। ठीक है, 65 रुपए में तो 40 रुपए ब्रोकरेज चला जाएगा उसका, है ना दोस्तों। और दोस्तों मैंने सबसे मेन चीज बताया आप सभी को, स्टॉप लॉस। ठीक है, मैंने स्टॉप लॉस लगाया था 27 पे, जैसे कि 27 रुपए पे हुआ मार्केट से मेरा जो पैसा था वो एग्जिट हो गया, हो गया ना। अगर मान लो कभी मार्केट नीचे एकदम एक बैग गिरता है तो क्या होगा कि आपका जो मतलब कि पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा ना वो मतलब बच सकता है। ठीक है, यानी कि अगर मान लो कि आपने सोचा मार्केट कॉल ऑप्शन लिया, मार्केट आपको लगेगा ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और आपके अंदर ऐसे कि आपसे ऊपर जाएगा लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया, डायरेक्ट नीचे गया, तो आपका जो भी पैसा लगाया ना दोस्तों वो डूब जाएगा, स्टॉप लॉस नहीं लग रहेगा तो। ठीक है, और अगर आप मान लें कि स्टॉप लॉस लगा रखे हैं तो क्या होगा कि जैसे मार्केट गिरेगा आपका जहां पे स्टॉप लॉस है वहीं से एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों क्या होगा कि अगर मान लो प्रॉफिट गेन कर रहे हो, ठीक है, ऐसे सेट किया प्रॉफिट गेन कर रहे हो, तो आपका जो स्टॉप लॉस है ना उसको मतलब कि जैसे कि लॉस वाले में थोड़ा और बढ़ाते जाओ, जैसे कि मैं बताता हूँ प्रॉपरली। जैसे कि आपने खरीदा मतलब 12 रुपए के हिसाब से 150 खरीदा, ठीक है, क्वांटिटी, तो आपको प्रॉफिट हुआ 400 रुपए का, वो मार्केट फिर 500-600 पे जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो आप क्या करो स्टॉप लॉस को भी बढ़ाते जाओ। ठीक है, जैसे कि स्टॉप लॉस हमने 25 पे लगा रखा है तो मार्केट और बढ़ते जा रहा है तो कर दो 26 पे कर दो, फिर 27 पे कर दो। ठीक है, और प्रॉफिट 30 पे 35 पे ऐसे करके कर दो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग लाइव देख रहे हो यहाँ पे कि मुझे 310 रुपए, 165 रुपए और फिर 65 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और 90 रुपए लॉस चला। ठीक है, बीच में 200 रुपए हो गया था पर अभी इसको मैंने मेंटेन कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने लिए। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का, एंड बाय।